स्त्री को सेकंड राउंड के लिए कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि एक स्त्री को सेकंड राउंड करना है, मतलब दूसरी बार यदि सेक्स करना है तो कितने समय में वो तैयार हो सकती है, या सेकंड टाइम उसको एंजॉय करना है तो वो कितने समय में हो सकती है। इसका आंसर, इसका जवाब यह है कि स्त्री को सेकंड टाइम, मतलब एक बार उसको ऑर्गेजम हुआ, एक बार उसको एक चरम सीमा पहुँच गई, तो कुछ मिनट के बाद में वो फिर सेकंड राउंड के लिए भी तैयार हो सकती है। कुछ कुछ लेडीज़ जो है वो तो एक ही इसमें, मतलब एक सेशन में कम से कम 15 से 20 बार उनको ऑर्गेजम हो सकता है, मतलब कुछ मिनटों के अंदर ही सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम हो सकता है ऑर्गेजम संभव है उनके लिए। कुछ लेडीज़ का ऐसा है कि उम्र के हिसाब से हो सकता है कि एक बार होने के बाद में उनकी इच्छा कम हो जाती है और फिर 10 मिनट, 15 मिनट, एक घंटा, दो घंटे के बाद में उनकी इच्छा हो जाएगी। बट यूजली स्त्री को सेकंड टाइम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं। इसके उल्टा आदमी का है, क्या होता है कि इजैकुलेशन होने के बाद में पुरुष को एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब ऐसा है कि सेकंड टाइम इरेक्शन होने को टाइम लगता है, और वह समय हो सकता है एकदम जब यंग लड़का है जवानी में, तो फिर उसको हो सकता है कि 15 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे बाद में वो तैयार हो जाएगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगी वैसा वैसा ये समय जो है वो बढ़ता जाता है, और हो सकता है कि वो 4 घंटे हो, जैसी उम्र बढ़ती जाती है वो 1 दिन हो जाएगा, और जैसी उम्र बढ़ जाती हो सकता है कि हफ्ते में 1 दिन भी वो कर सकता है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो काफ़ी वेरी होता है, मतलब यंग में बहुत ही कम, एक घंटा, 2 घंटा, ओल्ड एज में हो सकता है कि 1 महीने में 1 बार करता होगा। अभी काफ़ी लोग आते हैं, यंग लड़के लड़कियाँ की जिनका अफेयर है, जो सैटरडे संडे एंजॉय करते, वीकेंड एंजॉय करना है, और बोलते कि नहीं सेकंड टाइम करना है, या हम एक रात बाहर जाने वाले हैं तो हमको ज़्यादा बार होना चाहिए, तो फिर हम उनको लॉन्ग एक्टिंग PDE5 इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि टाडालाफिल है कि वो देते हैं, तो वो वीकेंड टैबलेट उसको कहा जाता है। क्या होता है कि यंग लड़के लड़कियाँ आती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बाहर जाना है, एक रात बाहर रहने का है, फिर वो आते कि नहीं हमारा मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, और लड़का तो भी उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड हो सकता है कि 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, तो हार्डली 1 या 2 बार ही कर सकता है, फिर हम उनको PDE5 इनहिबिटर्स देते हैं। वो दवाई देने के बाद में वो 5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम का डोज हो सकता है, और उसमें फिर उसका लॉन्ग लाइफ जो है, मतलब जो हाफ लाइफ जो है वो हाफ लाइफ काफ़ी लंबा है, 36 आवर्स का है, तो एक बार गोली लिया तो वो करीब करीब 24 घंटे से 36 घंटे उसका असर रहता है, और मल्टीपल ऑर्गेजम्स, मल्टीपल टाइम्स इरेक्शन संभव है, तो उसको वीकेंड टैबलेट भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है, और कोई भी औरत जो है वो मल्टीपल टाइम्स एक ही सेशन में कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।